दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों के चुनाव के पहले आपके पार्षदों ने हंगामा किया। ये मनोनीत सदस्यों की शपथ का विरोध कर रहे हैं। आपके पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी का घेराव किया और धक्का मुक्की की। इस दौरान वे भाजपा के सदस्यों से भिड़ गए। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। सबसे पहले नव निर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद बैलेट पेपर के जरिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। मेयर के चुनाव में 273 मेंबर्स वोट डालेंगे। बहुमत के लिए 133 का आंकड़ा चाहिए। आपके पास 150 तो बीजेपी के पास 113 वोट है। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना है कि मनोनीत पार्षद गैर कानूनी तरीके से सदन में भेजे गए, उनको शपथ नहीं दिलानी चाहिए। वहीं आप विधायक तीसरी ने चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है।